शिव तांडव करने से आपको सारी जीवन की सुख संपत्ति का आपको भोग मिलता है। मतलब ये ज्योतिर्लिंगों में जाना और बचपन से शिव के प्रति प्यार होना, क्योंकि कहा जाता है राधा और कृष्ण प्यार का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सबसे बड़ी अगर कोई प्रेमिका है हमारे धर्म ग्रंथों में तो वो है पार्वती। आप लोग अधिकतर सोचते होंगे कि शिव पार्वती की शादी में भगवान गणपति की पूजा क्यों होती है, कई लोगों ने सोचा होगा, जबकि उनके पुत्र हैं। मैं बता सकता हूँ उसका आंसर क्या है। भगवान शिव और पार्वती की शादी में गणपति की पूजा होती है। क्या रीजन हो सकता है? एनीवन, कोई और कोई हाथ खड़ा करे। देखिए ऐसा है कि आजकल का जमाना आ गया भैया पुराणों का, शिव पुराणों का जमाना गया। आजकल टीवी में जो दिखाते हैं ना वही सब कुछ हो गया आजकल, जो कि मेरी तो बड़ी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि प्लीज ऐसे धारावाहिक ना दिखाए जाएं जो कभी हुआ ही नहीं है। सब मनगढ़ंत दिखाए जा रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भगवान शिव और पार्वती की जब शादी हुई थी पहली बार, उससे गणपति का स्थापना हुई। और गणपति के पार्वती के मरने के बाद 7 जन्म तक पार्वती ने तप किया, तपस्या किया, क्योंकि शिव तो आदि अनंत काल है, आज भी शिव की स्थापना है, आज भी शिव जिंदा है। तो जब दूसरी बार जन्म हुआ पार्वती का तो उन्होंने शिव की आराधना की, और जब दूसरी शादी हुई तो पहले गणपति की स्तुति की गई और उसके बाद शादी हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी और छठी और सातवीं। इसीलिए 7 का महत्व, 7 फेरों का महत्व, 7 नदियों का पर्व बहुत महत्व, पर्वतों का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर मैं प्रेमिका मानता हूँ, सबसे बड़ी पतिव्रता मानता हूँ, तो वो सिर्फ एक है, वो माँ पार्वती। इसलिए आज के इस पूरे समागम में मैं कहना चाहूंगा आदि अनंत शिव के साथ में थी, वो थी पार्वती। और आपके साथ में जिस अंग से आपने बताया कि ज्योतिर्लिंगों का आगमन हुआ, आप कितने गए ज्योतिर्लिंगों में? पूरा 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ, कंप्लीट किया पूरा। किस उम्र में? देखिए आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है, कैसे कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? 14 to 15 years, 14 से 15 साल की उम्र से मतलब ज्योतिर्लिंग का चालू किया। मेरी माँ है, उन्होंने बोला कि बेटा ये ज्योतिर्लिंग चालू कर, तो बेटा सब कुछ अच्छा होता है जी। तो बस उन्होंने बोला, मैं करते गया। और ज्योतिर्लिंग में खासियत, एक ज्योतिर्लिंग करो तो 12 ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कैसे? खुद में खुद एक मैग्नेटिक होता है शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में एक मैग्नेटिक होता है, वो खुद में खुद खींचते, खुद में खुद खींचते वो हमें। क्या बात है, बहुत कम ऐसे चमत्कार हुए हिंदुस्तान में। जिस ढंग से एक चमत्कार मेरे सामने है पिछले 15 दिनों के अंदर, ये तीसरा चमत्कार मुझे सामने आ रहा है कि जैसे एक बार कभी शिरडी में जाएं आप तो लगातार चले जाते हैं, ज्योतिर्लिंगों का आगमन भी ऐसा होता है। और वाकई कौन कौन ने पूरे ज्योतिर्लिंग का आगमन किया, एक बार जरा हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन किया ज्योतिर्लिंगों ने? पूरे 12 ज्योतिर्लिंग? अच्छा कम, पूरे 12 किसने किए? क्या नाम है आपका? दीपक दवे साहब, के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शेखर, ये शिव तांडव का रूप आपने देखा, हमने नृत्य के जरिए देखा, यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे थे, बड़ी मॉडर्न स्टाइल है, क्या चक्कर क्या है? लोग नॉर्मली धोती कुर्ता पहनते हैं, ये मॉडर्न स्टाइल का चक्कर क्या है? क्या आज के तारीख में अगर हम लोगों को संस्कृत में बताया जाए, जैसे बोल दिया जाए स्लो में, लोगों को आज के यंग जनरेशन को समझ में नहीं आता है क्या संस्कृत है, ठीक है बोलेंगे, तो हमने एक अलग से कुछ एक टेक्निक लेके आया, बोलो उसको रॉक स्टाइल में लेके जाते हैं, और संस्कृत को हमने रॉक स्टाइल में, लेकिन आस्था हमने किसी की भंग होने नहीं दी है, जैसी है वैसी ही रखी है, बस धुन में थोड़ी सी चेंज की है, बाकी संस्कृत श्लोक सब वही है। मैं आपके गुरु को बुलाना चाहूंगा, कहाँ पर हैं कृपया? मिथिलेश जी आइए स्टेज पर आइए, क्योंकि बहुत गुरु का सम्मान होना चाहिए। अरे मिथिलेश जी आप तो वहां ऊपर, क्या बात है, माना भगवान शिव ऊपर बैठते हैं कैलाश पर्वत में, तो आप प्रेरणा स्रोत हैं इनके लिए। और बहुत पुरानी एक बात है कि और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। हर हर महादेव। मिथिलेश जी माइक्रोफोन लीजिए, और जिस संघ से मैं देख रहा हूँ इनकी भक्ति का पूरा श्रेय आपको जाता है। जी जी, क्या किया आपने ऐसा? मैंने तो कुछ नहीं किया, शंकर जी ने किया, शिव जी ने किया। क्या किया और कैसे इनके मन मस्तिष्क में आए भगवान शिव? बात ऐसी है कि पूजा बसानन समय दस वक्र गीतम यह संभ भोजनम पठतिम प्रदोषे, ये नित्य पढ़ते भी थे अध्ययन भी करते थे, रुचि इनकी थी। जब भगवान शिव के पास कभी कभी जाते थे पूछते थे,
तो इनके हृदय में कुछ उद्गार कई उत्पन्न होते थे। हर शब्द का, हर श्लोक का इसका क्या अर्थ है। तो दिनों दिन भक्ति इनकी बढ़ती गई, धीरे धीरे छोटे से ही इनका क्रम चलता रहा भक्ति का, और आज भगवान शिव के हृदय में इनका पूरा प्रेम समाहित हो गया। हमारी भी इच्छा थी कि प्रभु के चरणों में आज जैसे हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में हर प्रकार की पूजा होती है, लोग जुड़े हैं भगवान से। पहले कुछ कम होते थे, लेकिन आज की दृष्टि में देखा जाए तो भगवान शिव के दरबार में, साईं के दरबार में, वेंकटेश के दरबार में, शिव के दरबार में हजारों लाखों भक्त जाते हैं और उनका मन खींच करके प्रभु के चरणों की ओर जाता है। ऐसा ही हमारे शेखर जी का भी मन शुरू से हमारे नालेश्वर महादेव में, नाला सोपारा में, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है वसई तालुका में, जहाँ से इनकी माँ और इनके कई अंकल, कई जो है इनके इष्ट मित्र वहाँ पर जाते थे। आज भी हमारे नाला सोपारा में, नालेश्वर महादेव में हर वर्ष पुराणों का संग्रह, पुराणों का वाचन और इतना अधिक होता है कि वहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा भव्य भंडारा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा, श्री रामचरित मानस गायन, अन्य अन्य प्रकार के भक्त वहाँ पर आते हैं। पंडित जी, जिस तरह से कुछ समय के पहले मैं देख रहा था कि आप, मेरी पिछली पुरानी मुलाकात है आपसे, जी आपने बहुत ही खूबसूरत सी कुछ कविता के माध्यम से लिखा था, वो तो मेरा भाव था। जी प्लीज वो भाव व्यक्त कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग हमारे एल्बम को राष्ट्र में, हमारे इस महाराष्ट्र में, देश में, क्षेत्र में ऐसा अगर कोई नवयुवक भक्त तैयार होता है जी, तो उसके लिए हमारे हृदय से भी उमंग कुछ निकल, प्लीज वो शब्द हम बोल सकते हैं। प्लीज आप सुनाए एक बार, जोरदार तालियां बजाइए मिथिलेश जी की। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं और मुझे जब उन्होंने फ़ोन पे सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये उद्गार है अपने शिष्य के प्रति, क्योंकि आचार्य जो होता है, प्रधानाचार्य होता है, जो गुरु होता है, वो शिष्य को सिर्फ एक मार्गदर्शन ही दे सकता है, बाकी तो भक्त है जो प्रभु की लीला में खो जाता है और प्रभु को पाना चाहता है। पांडे जी, हमने जो अपने अंतःकरण से भगवान शिव की सन्निधि में ही इनकी भक्ति को देख करके इस रचना का अवलोकन किया, हृदयंगम किया अपने हृदय से, अगर इस भक्ति में लगना है तो इस पथ को मत छोड़ो, इस छोड़कर इस पथ की डोर जाएगा किस ओर, सांझ जब ढल जाएगी याद फिर तुझे आएगी। अगर आप एक बार भगवान शिव के दरबार में जाएं या किसी संत के दरबार में जाएं, किसी पंडित के दरबार में जाएं, अगर अच्छी वस्तु मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा प्रेम मिलता है, तो बार बार आपको जाने का इच्छा रहेगा वहाँ पर। तो छोड़कर इस पथ की डोर जाएगा किशोर, सांझ जब ढल जाएगी याद फिर तुझे आएगी। पथ भी सोनी, मंजिल भी सोनी, तू अकेला जाएगा, बीत जाएगी यह रैना शिवबिन, बीत जाएगी यह रैना शिवबिन, फिर बहुत पछताएगा। क्या बात है, बहुत में पहली मंजिल थी आने की भी और हमारे शेखर जी की भी, यही उनका पालन पोषण हुआ, घाट कोपर में इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में ही, और इनकी माँ और इनके जो सहयोगी थे बड़े भक्त थे। तो नाला सोपारा में नालेश्वर जी जिनकी पूजा बहुत किया शेखर जी ने, नाला सोपारा में नालेश्वर जी की जिनकी पूजा बहुत किया, नालेश्वर जी प्रेम के कारण तुंगारेश्वर इन्हें भेज दिया। क्या बात, नाला सोपारा में नालेश्वर जी जिनकी पूजा बहुत किया, नालेश्वर जी प्रेम के कारण तुंगारेश्वर में भेज दिया, तुंगारेश्वर में शिव भक्ति कर। अब ये निरंतर 2-2.5 वर्ष से नालेश्वर जी की कृपा से ये तुंगारेश्वर जाने लगी। हम कहते हैं बीच बीच में, शेखर जी अभी आज हमको समय नहीं है, नहीं पंडित जी शाम को चलना है, शाम को नहीं है समय, 12 बजे रात्रि चलना है। हम कहा यार पानी बरस रहा है बेटा, बोले नहीं महाराज जी भगवान शिव के पास तो जाना ही है। एक बार 4 घंटे हम वहाँ नदी आ गई, अटके रहे दोनों आदमी, कोई सहायता के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी 10-20 वहाँ से भक्त आ रहे थे। हम कहा चल 10 से 20 हो गए, 2 से 20 हो गए, अब वहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी नाला सोपारा में नालेश्वर जी जिनकी पूजा बहुत किया।